मैं करने जा रहा हूँ होटल ग्रीन पार्क कमरे का रिव्यू। चलो करते हैं। तो ये मैं दरवाज़ा ओपन कर लिया, तो मैं होटल का नाम बता देता हूँ। होटल का नाम है ग्रीन पार्क, 5 स्टार होटल है गाइस। ओके सो मैंने दरवाज़ा अभी फ़िलहाल बंद कर दिया। तो यहाँ पे हमको स्मार्ट लॉक रहता है, यहाँ पे गोदरेज का आपको ऐसा घुमाना रहता है, तो ये ओपन वहाँ से कोई कर नहीं पाएगा जल्दी। ये जो है गाइस, ये फ्लोर प्लान रहता है, वो बोल रहा है ये फायर एग्जिट है। ये सब पूरा डिज़ाइन बताया कि तुम कहाँ पर हो, ये मेरा रूम नंबर यहाँ पे कहीं पे है। वहाँ से अगर भागने का है तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। ये हर एक दरवाजे पे लगाना मैंडेटरी है। तो इसमें कैसा होता है गाइस, अभी हर एक जगह नए नए सिस्टम्स है कि आपको ये कार्ड अंदर डालना पड़ता है तो लाइट वगैरह चालू हो जाती है। अब देखते हैं इन्होंने क्या दिया है कबर्ड में। सब कबर्ड ओपन करने के बाद तो अपने को गाइस ऐसा एक कंपार्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पे पिलो है, अगर आपको पिलो चाहिए तो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंटी लॉक सिस्टम, अगर आपका कुछ प्रीशियस सामान है जैसे पैसे हो गए, सोने हो गए, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर घूमता है तो होटल जिम्मेदार नहीं रहेगा। चलते हैं अब आगे। यहाँ पे ऐसा एक मिरर आ जाता है, ये अगर आपको देखना है तो वॉशरूम का दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा वॉशरूम गाइस, हेयर ड्रायर मिल जाता है अपने को, सिंक, ये कोलगेट सोप, कोलगेट डेंटल किट और कोम वगैरह मिल जाती है। ये आपका वॉशरूम और ये है अपना नहाने का सिस्टम। अभी अभी मैं नहाया हूँ, बहुत गर्मी लग रही थी। और ये ठीक है, तो चल चलते आगे। ओके तो आपने वॉशरूम देख लिया, अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि यहाँ पे क्या मिल जाता है हम लोग को। सो यहाँ पे केटल मिल जाती है जिसमें आप पानी गर्म कर सकते हो, चाय वगैरह बना सकते हो। इसका कॉस्ट इंक्लूडेड है। ये बॉटल्स मिल जाती है, ये भी इंक्लूडेड है। अब ये जो है इसका, ये आपको अगर आप यहाँ पे खाते हो, जैसे इसका MRP अगर समझ लो 10 रुपये, तो ये आपसे 50 रुपये चार्ज करेंगे। तो गाइज ऐसा रहता है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसी फ्रिज मिल जाएगी। फ्रिज मैंने ओपन कर लिया। ओके सो ये सब भी अगर आप पीते हो गाइस, ये 20 रुपये का 50 रुपये चार्ज करते हैं। तो अगर आप कभी जाते हो ऐसा, तो सोच समझ के करना, मगर अगर आप बिलिंग करने जाओगे तब आपको वो बोलेंगे कि आपने इसका खाया, उसका पैसा भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी रूम देख लेते हैं। तो 2 लोग आराम से सो सकते हैं, फिलहाल तो मैं अकेला हूँ गाइस, ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे गाइज ये ऐसा सिस्टम आ जाता है, हनीवेल एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक की, तो उन्होंने ये डिज़ाइन किया है। ये एसी है, अगर आपको कुछ ऑन करना है तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अभी मैंने एसी ऑन कर दे दिया है, यहाँ से हवा आ रही है ठंडा। ये आप देख सकते हो फायर स्प्रिंकलर लगा हुआ है, ये हर एक होटल में होना चाहिए। अगर आग लग जाती है तो यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, बट मुझे थोड़ा ये लग रहा है। ओके अब ये पेंटिंग्स, अब टीवी गाइस तो मिलता है, अभी मैं IPL देख रहा हूँ। अब आगे जाते हैं, तो ये मस्त डेकोरेशन का लाइट है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है एम्बियंस। अगर मैं लाइट बंद करता हूँ तो ये आपका वर्किंग स्टेशन हो सकता है जब काम कर रहे हो। तो ये मेरा सामान, ये यहाँ पे आप बैठ के टीवी वगैरह देख सकते हो। तो गाइज ये ओवरव्यू है एक रूम का, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर क्रिकेट इंटरेस्टेड तो क्रिकेट देख, अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ दोस्तों, कैसा है बाहर, क्या है। सो बाहर एक सामने मेरे मॉल है गाइज, ये आप देख रहे हो सामने, ये मॉल है। और ये नीचे जो है पूरा एरिया इनका है, यहाँ से पूरा ग्रीन दिख रहा है आपको। ये 6th फ्लोर पे मैं हूँ, तो ये इनका एरिया है पार्किंग का, और आप देख सकते हो गाड़ी पार्क की है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है मुझे कि आगे उनका स्पेस है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, अच्छा लगता है जैसा आगे फ्रंट स्पेस होता है। तो चलो ये तो आपने देख लिया, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मॉस्किटो के लिए भी उन्होंने दिया है, अगर मॉस्किटो है तो रेपेलेंट है वहाँ पे। अब ये होटल का प्राइस बता देता हूँ गाइस, 5,000 प्लस 18% GST, तो आप लगा लो कितना हो गया।
6,000 तक का प्राइस हो जाता है। मैं लाइट बंद करता हूँ, डिम करने के बाद देखते कैसा दिखता है। तो डिम करने के बाद गैस कुछ इस तरह सा दिखता है व्यू, ये रहा। तो ये ओवरऑल ऑल व्यू दिखता है गैस डिम करने के बाद। तो अभी मैंने शॉर्ट्स पहन लिए है गैस, फिर अच्छा है, सॉफ्ट है, मैच देखेंगे। तो आप लोग को मैं बता दूं कि रूम तो अच्छा है गैस, काफी अच्छा है, वैसे पैसे भी वैसे लिए गए, सो काफी बढ़िया रूम है। और अभी मैंने लाइट डिम कर दिया, टाइम हो रहा है 8, तो मेरा प्लान है कि मैं लगभग 8-9-10 बजे के आसपास डिनर करूँगा, फिर सो जाऊँगा, काफ़ी काम कर लिया आज। और आई होप आपको ये रूम अच्छा लगा, आप बताइए कैसा लगा, कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। आप अगर ये रूम बुक करते हो तो डिस्काउंट भी मिलता है गाइज आपको, अगर आप किसी वेबसाइट के थ्रू बुक करते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ वाईफाई और ब्रेकफास्ट मिलेगा, सुबह का इंक्लूडेड है, लंच वगैरह नहीं रहेगा, वो अलग से आपको पे करना पड़ेगा गाइज। आई होप आपको रूम अच्छा लगा हो। ये चेन्नई में है गाइज, नंदपल्ली करके एक जगह है वहाँ पे, तो प्लीज़ आपका रिव्यू बताइए आपको कैसा लगा रूम। अभी तो फिलहाल लेट्स एंजॉय करते हैं मैच, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे और वीडियोज़ आपको लाते रहूँगा।